हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट सेमेस्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है और मज़ेदार पेपर है, कह सकते हैं आप, क्योंकि इसको जो भी हम पढ़ेंगे, सीमेंट, स्टैंड, स्टोन, सैंड, ये सब हमको दिखेगा, लाइव दिखेगा और हम फील करते हुए इसको पढ़ाई करेंगे। काफ़ी मज़ेदार पेपर है, थ्योरी पेपर है बट मज़ेदार पेपर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट क्या है। कंक्रीट एक वर्ड आ रहा है, उसमें कंक्रीट क्या है? तो कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। इस चार इंग्रेडिएंट के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं कंक्रीट। इसमें से जो भी न्यू थर्ड सेमेस्टर में एंट्री किए हैं उनको फाइन एग्रीगेट के नाम से नहीं जानते होंगे, कोर्स एग्रीगेट के नाम से नहीं जानते होंगे। तो फाइन एग्रीगेट सैंड को कहते हैं और कोर्स एग्रीगेट स्टोन को कहते हैं। अब दूसरा एक वर्ड है मोर्टार। मोर्टार भी तीन इंग्रेडिएंट के मिक्सचर को कहते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। अब हम सीमेंट पे बात करते हैं, सीमेंट की कुछ हिस्ट्री पे बात करते हैं, फिर हम सीमेंट के प्रॉपर्टी पे बात करेंगे आगे चल करके। तो सीमेंट बनता कैसे है, ये तैयार कैसे होता है? तो सीमेंट को हम लोग तैयार करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि द आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ ए वेरी हाई टेम्परेचर 1400 डिग्री टू 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काफ़ी हाई डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं, दो इंग्रेडिएंट को हीट करते हैं, दो मटेरियल को हीट करते हैं। एक है आर्जिलेशियस मटेरियल, दूसरा है कैल्केरियस मटेरियल। आर्जिलेशियस मटेरियल देख लीजिए आप, ये है हमारा आर्जिलेशियस और ये है कैल्केरियस। आर्जिलेशियस मटेरियल किसको कहते हैं? जो क्ले से रिलेटेड मटेरियल है उसको आर्जिलेशियस कहते हैं, और कैल्केरियस किसको कहते हैं? जो लाइम से रिलेटेड है। इस दोनों मटेरियल को जब हम हाई डिग्री टेम्परेचर, इतने डिग्री टेम्परेचर में हीट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा, उसका नाम है क्लिंकर। और इस क्लिंकर में स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम ऐड करेंगे, मैक्सिमम 5% से कम ऐड कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम 5% जब ऐड करेंगे तो वो नया प्रोडक्ट तैयार होगा, पल्वराइज होगा, कन्वर्ट होगा उसमें, और उसका नाम पड़ेगा सीमेंट। क्लियर? और कॉमन वेराइटी जो है हमारा सीमेंट का, आर्टिफिशियल सीमेंट का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नॉर्मल सिटिक सीमेंट और ऑर्डनरी सीमेंट। इसका इन्वेंशन किनके द्वारा किया गया? SF, देखिए इनका इन्वेंशन जो किया गया है वो मेसन जोसेफ स्पेडिंग के द्वारा, जो कि इंग्लैंड में 1824 में, और ये मैन्युफैक्चर जो हुआ स्टार्ट हुआ पोर्टलैंड सीमेंट का, ये सबसे पहले मैन्युफैक्चर इंग्लैंड में ही हुआ अराउंड 1825। इसके बाद वन बाय वन अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद जस्ट बेल्जियम और जर्मनी में हुआ 1855 में, सेम ईयर में। इसके बाद अमेरिका में स्टार्ट हुआ 1872 में, और इंडिया में जाके जो स्टार्ट हुआ वो 1904 में। और 1904 में ही फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इंस्टॉल्ड हुई इंडिया में, वो तमिलनाडु में। और किनके द्वारा इंस्टॉल किया गया ये फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री को? उस कंपनी का नाम था साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो सीमेंट हिस्ट्री की बात कर ली, अब हम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है, फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, सेकंड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, थर्ड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, फोर्थ यूनिट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। फिर वन बाय वन हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पे बात करते हैं और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है? जो हम रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, मतलब देख करके फिजिकली, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे इसका एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट ये है कि जब हम सीमेंट को दोनों फिंगर के सहारे टच करते हैं तो वो सीमेंट पेस्ट को, तो फिंगर के सहारे जब टच करते हैं तो स्टिकी फील होता है, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। या फिर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम उसको ले करके एक फुल भरे हुए बाल्टी में, हम पानी भरे हुए बाल्टी में स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट पे जब हम थ्रोन करेंगे, फेंकेंगे, तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा। तो ये भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये स्ट्रेंथ मशीनरी काम में
मतलब स्ट्रेंथ देता है। इट इज़ एन एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल, ये काफ़ी एक्सीलेंट बाइंडिंग मटेरियल है, चाहे कोई भी मशीनरी हो, ब्रिक मशीनरी हो या फिर स्टोन मशीनरी हो, और इट इज़ इजिली वर्केबल। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑफर्स गुड रेसिस्टेंस टू द मॉइस्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इट पोसेस गुड प्लास्टिसिटी, इसके अंदर गुड प्लास्टिसिटी होता है सीमेंट मिक्स में। इट स्टिफेंस और हार्डेंस अर्ली, ये तुरंत सेट कर जाता है और हार्ड हो जाता है, और ये दोनों पॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगले क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो लैब से रिलेटेड उस पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।